कई बार मेरे पास आई, मैंने उसे पढ़ा और बहुत सर्कुलेट भी किया उसको. मुझे ये उम्मीद थी कि इस पे एक इमीडिएट रिएक्शन होता और शायद हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते अगर और लोगों ने इस पे एक्शन ले लिया. मुझे उम्मीद थी कि कितना बड़ा हादसा है और इतनी बड़ी स्टोरी है, इस पे एक रिएक्शन होता. दूसरा जो हुआ है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंस करने के बाद मेरे पास सुबह से दसियों मैसेजेस आ चुके हैं और कई फोन आ चुके हैं और मुझे हिदायत ये दी गई कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से तुम दूर रहो और सईदा आबा भी दूर रहे, इससे मुसलमानों को दूर रहना चाहिए क्योंकि बीजेपी इसको पोलराइज कर रही है समाज. तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है. एक तो ये कि क्या हम आज इतने भय में जी रहे, इतना डर का माहौल है जहां पे एक सोशल एक्टिविस्ट जिसने 35 साल एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री लड़ाई की है, उससे ये कहा जा रहा है कि तुम अपनी सोशल एक्टिविज्म की आइडेंटिटी को कूड़े में डाल दो, आज से तुम्हारा चेहरा सिर्फ एक मुसलमान का है जो सिर्फ यहां पे पोलराइज कर सकता है. दिस इज समथिंग विच इज वेरी अलार्मिंग फॉर मी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ. ये कोई अजनबी लोग नहीं है जो मुझे ये कहते हैं. ये बात कहना जर्नलिस्ट की तरफ से और लोगों की तरफ से कि गुजरात में पोलराइजेशन होगा, सवाल ये है कि क्या गुजरात में पोलराइजेशन होने के लिए और इस स्टोरी में ऐसी कौन सी चीज. मेरा सवाल ये है कि ये लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हैं, सोहराबुद्दीन अकॉर्डिंग टू मी इज एब्सोल्युटली इनकॉन्सिक्वेंशियल इन दिस केस. सवाल ये है कि इस मुल्क में जिसको आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, जहां अभी तक आपने ऑर्डिनरी लोगों को मारा, आपने गरीब मुसलमानों को लिंच किया क्योंकि मुसलमान है तो मारे देना चाहिए, वहां पे क्या एक ऐसा हिंदू जज जो आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, या अभी तो हमें यह भी नहीं पता वो आपकी बात सुन रहा था या नहीं सुन रहा, उसको रास्ते से सिर्फ इसलिए हटा दिया जाएगा कि आपके ऊपर सवालिया निशान था? क्या इसमें सारे नागरिक अपनी बात रखना बंद कर दें? ये डर का माहौल फैलाया गया. लेकिन एक इस स्टोरी में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज और वो ये है कि जिस तरह लोहिया को आप नहीं खरीद पाए, इस मुल्क में हजारों लाखों लोग हैं जिनको आप खरीद नहीं सकते, उनका कुछ भी नाम आप हमको मार सकते हैं. ये हम सब लोग जानते हैं कि हम अगर ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएंगे तो शायद गौरी लंकेश की तरह आपकी गोली हम तक भी पहुंच सकती है. लेकिन हम ये भी बता देना चाहते हैं ताकतों को कि हम इनसे डरते नहीं. जो आवाज है हिंसा के खिलाफ, जो आवाज है इंसानियत की, वो आवाजें इस मुल्क में बुलंद रही. यहाँ पे भगत सिंह की जो पूरी लिगेसी है, गांधी की जो पूरी लिगेसी है, उसको लोगों ने छोड़ दी. हर इंसान बिकाऊ थे. ये कहना मेरे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे लगातार ये पिछले दो दिन से और आज सुबह से खासतौर से बता रहे हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि फैशिज्म सिर्फ और सिर्फ डर पे पड़ता है. जितना आप डरेंगे उतना फैशिज्म आप पे हावी होता जाएगा, जितना आप डरेंगे उतना डेमोक्रेटिक स्पेसेस कम होती जाएंगी, उतना मीडिया को डराते रहा जाएगा कि इस पे मत बोलिए, उस पे मत बोलिए, आपकी नौकरी खतरे में हो जाएगी, आपका हम चैनल बंद कर. ये हरतोष ने नहीं कहा और मैं नाम भी नहीं लूंगी, लेकिन निरंजन एक साल से मुझसे इस बारे में बात कर रहा था और वो जहां काम करता था डर के मारे उन्होंने इस स्टोरी को छापने से मना कर. इतना डर इस मुल्क में है कि बड़े बड़े जो न्यूज पेपर जो मैगजीन है वो डरते हैं कि हम ये स्टोरी छापेंगे तो उसके रिपोर्टेशन. और इस डर के माहौल में जैसा मनीषा ने कहा और सईदा अपा ने कि हमें डर है कि निरंजन की जान को खतरा है, हमें डर है कि लोहिया के खानदान की जान को खतरा, तो हम ये तो डिमांड कर ही रहे हैं कि इसमें हाईएस्ट जुडिशियल लेवल इंक्वायरी हो, लेकिन हम ये भी डिमांड करते हैं कि इनकी फैमिली को और निरंजन को और कारवा के बाकी मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड, क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई, अगर ये इंश्योर नहीं किया गया, तो थोड़ी बहुत आवाजें जो निडर बोल रही हैं, शायद उनका भी बोलना धीरे धीरे बंद हो.